नमस्कार जी, जैसे कि हमने कल भी लेटेस्ट वीडियो अभी कल ही बनाई है, उससे पहले भी बनाई है, नले नाभि वालों को जो परेशानी होती है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए, तो ये ट्रीटमेंट आप साथ में कीजिएगा। उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपका खान पान कैसा है, तो आपको अपना खान पान ठीक करना है, आपको डेली नींद अच्छे से लेनी है, तो आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, फ्राइड फूड नहीं खाना है, बाहर खाना नहीं खाना है, आपको घर का ही खाना खाना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका नाश्ता 8:30-9 बजे तक होना चाहिए। अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत वर्किंग होता है ट्रीटमेंट, बट उसके साथ साथ आपको आपके खाना, आपकी रूटीन, लाइफस्टाइल आपको ठीक करना पड़ेगा, तब ये ट्रीटमेंट वर्क करता है। तो आपको 8 या 9 बजे तक, बड़ी हद 9 बजे तक, इससे ज्यादा लेट नहीं, आपको नाश्ता करना ही करना है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है अगर टाइम पे आप करते हैं तो। उसके बाद जो रात के खाने का समय होगा वो भी 9 बजे तक। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सुबह का नाश्ता भी 9 बजे तक करना है, रात का खाना भी, हमें डिनर 9 बजे तक खाना ही खाना है, 9 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। तो दिन के टाइम का लंच टाइम अगर आप 1:30 या 2 बजे के बीच में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप स्किप कर सकते हैं, बट लेट खाना नहीं खाना है। फिर उसमें क्या है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक करने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आप नारियल पानी ऐड कीजिए, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, धनिए का पानी, जैसे मोटा धनिया हमें मिलता है उस धनिए का पानी, ये चीजें आप अपने लाइफ में ऐड कीजिए, खाना हल्का खाइए। उसके साथ आज हम आपको पेट की नले नाभि वालों के जो मसाज है वो बताते हैं, वो कैसे करनी है और सिकाई कैसे करनी है। देखिए, इस तरह से हम पेशेंट को लिटाया है हमने, और इस तरह से हम ये इनके हाथ में अरंडी का तेल है, आप अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अरंडी का तेल अच्छा रहता है नले नाभि वालों के, जिनका पेट बहुत कड़क हो उनकी मसाज करने के लिए। इस तरह से पहले हम ऑयल पूरे पेट पे ऑयल लगाएंगे, ऑयल को बहुत अच्छे से फैलाना है, एकदम अच्छे से ऑयल लगाएंगे। हाँ जी, इस तरह से अच्छे से पेट पे तेल लगा लेंगे हम। उसके बाद 2-3 स्टेप ही करने होते हैं, अच्छे से करेंगे। ये देखिए, राइट टू लेफ्ट इस तरह से जाएंगे। ये देखिए, हल्के प्रेशर के साथ करना है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना है पेट पे, और बहुत कम समय के लिए करनी है, 15-20 मिनट की मसाज नहीं करनी है, सिर्फ 4-5 मिनट के लिए करनी है। हल्के से हाथ से इन्होंने प्रेस किया है, और फिर देखिए इधर लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ कर रही हैं जी। फिर जैसे पेट बहुत कड़क हो जाता है, इस तरह से अंगूठों से ऊपर की तरफ से लेकर आएंगे और यहां पर नाभि पे होल्ड रखेंगे, लेकर आए यहां नाभि पे, फिर होल्ड रखेंगे। हाँ जी, इस तरह से दोनों तरफ पेट पे पसलियों पे हाथ रखेंगे और नाभि की तरफ लेकर जाएंगे। ये हल्के हाथों से बस मसाज करनी है, ये हमने ऑयल को पूरा पेट पे लग गया है, हल्के से मसाज कर दी है। इसके बाद हम सिकाई करेंगे। अगर आपके पास कोई ना हो आपकी मसाज करने के लिए पेट की, तो आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। तो हमारे कई व्यूवर सेल्फ मसाज के लिए पूछते हैं, ये देखिए इस तरह से ये खुद कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से राइट की तरफ, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं गोल गोल। ये देखिए नाभि के बिल्कुल आजू बाजू में सेल्फ मसाज कर रहे हैं ये। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये देखिए अपने अंगूठों से, हाँ जी कीजिए, ये देखिए नाभि की तरफ हल्के से प्रेशर के साथ यहाँ पे होल्ड रखेंगे नाभि के पास, फिर से करेंगे। ये देखिए, ये सेल्फ मसाज है जी। तो ये जो पेट की मसाज हम करते हैं नले नाभि वालों के लिए तो फायदेमंद है, आप नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा। तो ये उसके साथ साथ ही गैस, कब्ज वाले जो होते हैं, खट्टे डकार आते हैं, इनडाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेल्फ मसाज कर रहे हैं। अगर आपको एसिडिटी बनती है, गैस कब्ज की दिक्कत है, तो आप ये जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब इसके बाद हम सिकाई करनी बताते हैं आपको। ये देखिए, हमने ये तवा गरम किया है, बिल्कुल सिंपल, ये सादा कॉटन का कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर कुछ भी नहीं है,
तो इस तरह से तवे पे गरम करेंगे कपड़े को और पेट पे हल्के हल्के हाथ से सिकाई करेंगे, टैप 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 मोशन में करनी है हमें, कपड़े को घसीटना या रगड़ना नहीं है स्किन पे। अभी हमने तेल की मालिश की, उसके बाद ये हल्के हल्के से सिकाई करेंगे इस तरह से, 2 से 3 मिनट आप सिकाई करेंगे। तो सिकाई के बाद हम नाभि में ऑयल भरेंगे इस तरह से, ये 5 मिनट के लिए हम इस तरह से ऑयल भर देंगे। तो अगर आपको वैसे भी डाइजेशन की दिक्कत है, कब्ज की, नले नाभि की है, तो रोज सोने से पहले आप अरंडी का तेल या फिर नारियल का तेल, नहीं तो फिर सरसों का भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो, तो उसके लिए आप ये रोज डेली नाभि में 5 मिनट के लिए सोने से पहले तेल 5 मिनट के लिए भरेंगे, ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपको इस। तो ये ट्रीटमेंट हमने बताया आपको, कल जो ट्रीटमेंट बताया था हमने, योगा एक्सरसाइजेस की थी, नेचुरोपैथी की, ठंडी पट्टी की थी, आज हमने ये मसाज की है, सिकाई की है, उसके बाद हमने ऑयल नाभि में भरा है। तो ये ट्रीटमेंट कीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है, आपको आराम आएगा, बहुत फायदा होगा, बट उसके साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी आप थोड़ा सुधारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको खाना समय पे खाना है, सोना समय पे है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग में करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, जंक फूड नहीं खाना, ऑयल फूड नहीं खाना है, तो ये कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, आप जल्दी स्वस्थ और मस्त रहें। नमस्कार।